देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में तो सिग्मा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 2r² प्लस 5r + 3, दैट इज सिग्मा 2r³ प्लस 5r² प्लस 3r हो रही है। तो 2 सिग्मा r³ होता है n(n+1/2) का होल स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा r² होता है n(n+1) 2n+1/6। सिग्मा आर होता है n(n+1/2)। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करिए, 1/2 ये आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो n⁴ प्लस 2n³ प्लस n² 5/6, ये आएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n प्लस 3/2 n² प्लस n। ठीक है, तो यह आएगा 1/2 n⁴, n³ आएगा 1 प्लस 5/3, ये होगा n³, n² होगा 1/2 प्लस 5/2 प्लस 3/2 n², n वाला टर्म होगा 5/6, 3/2 × n, तो आ रहा है ½ n⁴ प्लस 8/3 n³ प्लस 9/2 n² प्लस 14/6, दैट इज 7/2। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको और जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आप कंपेयर कर लीजिए, ए बी सी डी ई सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, ई तो दिख ही नहीं रहा है, ई तो 0 होगा, ए होगा 1/2, बी होगा 8/3, सी होगा 9/2, डी होगा 7/2, फिर बाकी ऑप्शन से आप वेरीफाई कर लीजिएगा।